अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। और मैं आई हूँ एक नए वीडियो के साथ, वीडियो भी नहीं एक नए मैच के साथ। कल हुआ है बहुत बड़ा अपसेट हिस्ट्री का, और अफगानिस्तान पहली बार जीता है इंग्लैंड से, एक चैम्पियन टीम से। तो हम बात करते हैं तफसील में। सबसे पहले हम बात करते हैं अफगानिस्तान टीम की, जिसका जीतना नामुमकिन था वो जीत गई है। क्यों जीती है? उनका बैटिंग ऑर्डर, उनका स्पिनर्स, उनके ओपनर्स आउट क्लास। अगर आप ये बोलो अफगानिस्तान टीम अच्छी नहीं है, हम उनको अच्छा नहीं कहेंगे, हमारी उनसे दुश्मनी है या व्हाटएवर कोई भी चीज़ है, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा उनके पास टैलेंट है। छोटी टीम को उठाकर देख लो, नीदरलैंड को उठाकर देख लो, उसने साउथ अफ्रीका को हराया है लास्ट ईयर, ठीक है? तो बड़ी टीम्स मेहनत करती हैं और वो हमारी टीम की तरह नहीं होती। मैं मानती हूँ हमारी टीम अच्छी है, लेकिन आप टीम सिलेक्ट क्या करते हो और लेके क्या जाते हो, उसमें फ़र्क होता है। अच्छा, तो उनके जो स्पिनर की बात की जाए, राशिद की और मुजीब की, आउट स्टैंडिंग बॉलिंग, आउट स्टैंडिंग बैटिंग, जो कि गुरबाज ने की। तो अगर हम देखें गुरबाज को, 59 बॉल्स पर उसने 80 रन्स बनाए। उसने अपने लिए नहीं खेला, उसने अपनी टीम के लिए खेला है। और दूसरी चीज़ ये कि राशिद, मुजीब, नबी, मतलब उनके पास स्पिनर्स हैं। देखने में आता है कि उनके पास स्पिनर्स हैं, आउट क्लास स्पिनर्स हैं, लेकिन हमारे पास कौन है? कोई भी नहीं है। सो आपको ये नहीं होता कि ये टीम छोटी या बड़ी है, ये होता है कि आपने किस तरह परफॉर्म करना है, जान तोड़ कर परफॉर्म करना, आपका नज़र आए कि आप जीत रहे हो। अब मैं कहती हूँ आप हार जाओ, लेकिन मैच ऐसा हो कि बंदा देखे। पाकिस्तान और इंडिया के मैच से ज़्यादा अच्छा कल का मैच था, और इंग्लैंड, मैं मानती हूँ उसके बैट्समैन अभी इस वक्त बाहर हैं या फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो आएंगे ज़रूर। डैन स्टॉक वो भी बाहर बैठा हुआ है। और अगर हम बात करें इंग्लैंड के बैट्समैन की, तो वो इस वक्त बाहर बैठे हुए हैं। बैन स्टॉक को देख लो, और भी एक दो बैट्समैन हैं वो बाहर बैठे हुए हैं। लेकिन बात सारी यहाँ पर ये होती है कि कुछ सीखो, लेकिन नहीं सीखते हमारे वाले, सिर्फ बैठते हैं और वो कुछ भी नहीं सीखते। लेकिन होपफुली आगे जीतेंगे, और हम लोग इंशाल्लाह जीतेंगे। जाहिर है हमें पाकिस्तानी और हम पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन हमें छोटी टीम हो या बड़ी टीम हो सीखना चाहिए। सीखने से आप बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन अफगानिस्तान का जीत बहुत अच्छी थी, और वो अब ऊपर से आएंगे, वो आएंगे ऊपर से। ऑस्ट्रेलिया आएगा ऊपर से, इंडिया को तो हम निकाल दो, साउथ अफ्रीका 450, पाकिस्तान को सब पीटेंगे। और पाकिस्तान के साथ अब जो होने वाला है वो अल्लाह ही हाफिज़ है। खैर, उम्मीद करती हूँ सब अच्छा ही होगा, और इंशाल्लाह हम जीतेंगे, जो कि उम्मीद नहीं। ये हिस्ट्री का बहुत बड़ा अपसेट हुआ है कल, लेकिन बहुत अच्छा खेला, वेल डन अफगानिस्तान। और इसी तरह का तुम परफॉर्म करते रहो, जिसके टीम में टैलेंट होगा, चाहे वो इंडिया हो या अफगानिस्तान हो, हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मेरिट पर हैं लोग और टैलेंटेड हैं, हम सपोर्ट करेंगे चाहे वो किसी भी टीम के हों। सो दुआओं में याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी, नेक्स्ट मैच में आऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।